आपके लिए दो चांटे रचित किए जाएंगे कि आप स्कॉटलैंड में आके इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, आप यहाँ पर स्कॉटिश बोलिए। तो जब ब्रिटेन में भी पूरी तरह से इंग्लिश नहीं चलती, तो भारत में पूरी तरह से इंग्लिश थोपने की मंजूरी हमने किसने दे दी? 4.5 देश मात्र हैं जहाँ की मातृभाषा इंग्लिश है, और हम 200 देशों पर राज करने वाली भाषा इंग्लिश को मान के चले हुए हैं, ये हमें किसने सिखा दिया? और कोई यदि ये कहे कोई बात नहीं, 4.5 देश भले ही इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आज दुनिया तो व्यापार और जॉब इंग्लिश के माध्यम से करती है, और यदि हम पढ़ लिख करके जॉब करने गए तो वहाँ पर हमारी मजबूरी इंग्लिश की होगी, पढ़ लिख करके यदि हम ट्रेड करने गए तो वहाँ पर हमारी ग्लोबल ट्रेड करेंगे तो हमारी मजबूरी इंग्लिश की होगी। ये भूत जापान भी पहुँचा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं कुछ यहाँ के सोचने वालों ने अपनी हवा को जापान भेज दिया होगा, तो वहाँ पर भी बुखार पहुँचा कि अब जापान को भी इंग्लिश माध्यम में ही शिक्षा देने को सोचना पड़ेगा। और जब सोचने के लिए गए वहाँ पर, तो जापान तो ऐसा देश है किसी भी चीज़ को नई चीज़ आई है तो बिना रिसर्च किए इसको अडॉप्ट नहीं करते वो। जब बहुत मांग उठने लगी कि यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम के विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारी शिक्षा तकनीकी और प्रशासनिक जो सेवाएँ होती हैं सिर्फ जापानी में होती हैं, लेकिन जब इंग्लिश का बुखार जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद ये पाया कि एक जापानी विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ कर के जितनी इंग्लिश सीखता और समझता है, उतना 12वीं कक्षा के बाद वो सिर्फ 3 महीने में पढ़ना और सीखना समझ सकता है। तो जो काम हम 3 महीने में कर सकते हैं उसके लिए 12-15 साल खर्च क्यों करें? और अंततोगत्वा ये निर्णय हुआ कि विद्यालयीन शिक्षा तो जापानी माध्यम में ही हो, उसके बाद यदि इंग्लिश सीखने की बात आए तो हम 3 महीने में सिखा सकते हैं, और 12वीं के पहले किसी को व्यापार करना नहीं, 12वीं के पहले किसी के लिए जॉब करना नहीं, और जब जॉब और व्यापार के लिए इंग्लिश की आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसको हम 3 महीने में पूरा करा सकते हैं, उसके लिए 15 साल खपाए क्यों जाएं? आपको बात समझ में आ रही है? और जिनके मन में ये वाली बात आ रही है कि ठीक है, आजकल तो MNC जो होती हैं मल्टीनेशनल कंपनी, वो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में पूछती हैं। हाँ, आपका हुनर जांचने के लिए वो भली आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू लें, लेकिन यदि आपके लिए किसी मार्केटिंग की जॉब सौंप रहे हैं तो सबसे पहले जिस भारत के प्रांत में आपको भेजा जाएगा वो आपसे अपेक्षा करेंगे, सबसे पहले उस प्रांत की आप क्षेत्रीय भाषा को पढ़िए सीखिए, तब जाके हम आपको एक बड़ा पैकेज देकर के वहाँ पर अपॉइंट करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, इंटरव्यू के समय तो आपने इंग्लिश में इंटरव्यू ले लिया, और जब उनको अपॉइंट करने की बात आई तो आप उनको मातृभाषा सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे, मजबूर कर रहे। जब उनको जॉब करनी है उस क्षेत्र में जा करके जहाँ पर वो कस्टमर से ग्राहकों से उनकी भाषा में रूबरू हो पाए, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बाध्यता क्यों कि आप उस इंटरव्यू में इंग्लिश में उन पर बात करना सीख करके उनको आप अपॉइंट करें और उनके लिए आप सिलेक्ट करें? ये मतलब कितना बड़ा विरोधाभास है। इंटरव्यू महत्वपूर्ण है कि आपको वहाँ पर अपना परफॉर्म करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परफॉर्मेंस तो आप कर रहे हैं मातृभाषा में और इंटरव्यू आप ले रहे हैं इंग्लिश भाषा में, ये बहुत बड़ा एक विरोधाभास है जो आज इस चीज़ से बेदखल करके हमारे दिमाग में जो इंग्लिश का बुखार घुसा है वो मस्तिष्क ज्वर के रूप में ऐसा बैठ गया है कि 64 पहरी पीपल खाने के बावजूद भी हड्डी का और मस्तिष्क का बुखार दुख नहीं हो पा रहा है। और इस मामले में सारे माता पिता, जैसे ही कल एक प्रश्न आया था, चूँकि उस समय हम रुक गए थे, अभी भी समय तो है ही नहीं है, फिर भी 1-2 मिनट में हम बात पूरा करेंगे। कल एक प्रश्न आया, महाराज जी सफलता के कई सारे कारण होते हैं, उसमें एक परिश्रम भी एक कारण होता है, तो परिश्रम के बारे में बता ही दिया था कि हार्डवर्क नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा, फोकस भी एक कारण होता है, फोकस समझते? कभी आपने देखा होगा जब आप बच्चे हैं, अभी तो बच्चे ही हैं, कुछ बड़े हो गए होंगे लेकिन हम तो अभी तक बच्चे हैं, भले हो सकता आप लोग बड़े हो गए हों। आपने देखा होगा ग्लैंस लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में एक लेंस को लेकर के और एक कागज़ जलाने की कोशिश करते हैं, कभी किया आपने, किसी को करते हुए देखा है? अब मान लो इतना सा कागज़ है, इतना बड़ा लेंस है, और सूर्य के प्रकाश में उसको आप जलाना चाह रहे हैं, कागज़ इतना सा है और फोकस इतना बड़ा हो रहा है, जल पाएगा?
नहीं चल पाएगा। जितना बड़ा फोकस है उतना उसकी इंटेंसिटी कमजोर है। पढ़ाई पे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, ऐसा बोल देना, क्या करें पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते। फोकस करना भी अनिवार्य नहीं, फोकस की इंटेंसिटी को लाना अनिवार्य है। और फोकस की इंटेंसिटी को डाइल्यूट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबसाइड करना भी अनिवार्य है। वो कौन से हैं? और मान लो इतना बड़ा कागज भी है और तिल के दाने के बराबर भी आप फोकस कर रहे हैं तो उसको जला के राख कर देगा। इसलिए 24 घंटे फोकस करना अनिवार्य नहीं, जितने घंटे भी हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक दो घंटे की पढ़ाई भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप लोग हमारी बात पर फोकस कर पा रहे हैं? कितना बड़ा कर पा रहे हैं? इतना बड़ा हमें चाहिए ही नहीं है। तिल के दाने के बराबर भी आप हमारी बात पर फोकस करेंगे तो पूरी बात आप समझ पाएंगे। तो सुनो, वो इंग्लिश मीडियम का जो बुखार दिमाग में है आपके अंदर, आपके माध्यम से तैयार नहीं किया। कभी भी जो वायरस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं हमारे अंदर के नहीं करते, आसपास के माहौल के करते हैं। और जब आसपास के बैक्टीरिया वो यदि इंग्लिश मीडियम के माहौल में रहने वाले लोगों के माध्यम से हम तक अटैक करने वाले बने हैं तो फिर उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देने के लिए कुछ नए बैक्टीरिया ईजाद करने पड़ते हैं, तब जा करके वो एंटीवायरस या एंटी बैक्टीरियल जो है वो हम पर काम कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपको? कितनी समझ में आ गई? इतनी कि इतनी मैच्योरिटी का अर्थ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लायक बन गए हैं। मैच्योरिटी का अर्थ ये है कि आप छोटी छोटी बातों को समझने लायक बन गए हैं। चाहे बच्चों की बात हो चाहे बड़ों की बात हो, आपके अंदर यदि परिपक्वता बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लायक बन गए हैं। आप छोटी छोटी बातों को समझने लायक बन गए हैं तो समझ लेना कि आप परिपक्व होते चले जा रहे हैं। पीछे वालों भी सुन लो और बच्चों भी सुन लो। महाराज हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कल आपका आटा मंदिर में प्रवेश होगा। अभी हमने ऐसा क्या कह दिया? और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि महाराज जी कुछ दिनों का प्रवास प्रतिभास्थली में होगा। हम सोचते हैं प्रत्येक दिन उम्मीदों के साथ शुरू होता है और अनुभव के साथ खत्म, लेकिन अनुभव ऐसा मिले ताकि अगले दिन उम्मीद बरकरार रहे, नहीं है तो वो वेस्टेड ऑफ टाइम माना जाता है। आप सबके भीतर वो सब संभावनाएं हैं जो अपनी तो क्या दूसरों की उम्मीदों पर ही खड़े उतरने लायक हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएँ रखना, क्योंकि दूसरों से रखोगे पीड़ा मिलेगी और अपने आप से रखोगे प्रेरणा मिलेगी। और दूसरों का मतलब हम भी हैं आपके लिए, हम भी दूसरे ही हैं आपके लिए, आप अपेक्षाएं मत रखना। और साधुओं से अपेक्षाएं रखना तो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ बैठे हैं अपने घर वालों की अपेक्षाओं को भी दरकिनार करके आ गए, वो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करेंगे बहुत कठिन है। सबसे बड़े धोखेबाज यदि हैं तो साधु ही हैं, और सबसे बड़े धोखेबाज को आपने मंच पर बिठा के रख दिया। जो थोड़े बहुत रिलायबल है वो तो जमीन पर बैठे हैं और धोखेबाज सब ऊपर बैठे हैं, और इनसे तुम उम्मीद कर रहे हो ये धोखा नहीं देंगे। हो सकता है तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ जाए कि धोखेबाज कितना भी धोखा देना जाए लेकिन हम धोखे में ना आ पाए। तो उसके लिए भी अपने मान को अपने घमंड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुण्य को यदि कोई बाधित करता है तो हमारी कषायें, और कषायें को कोई यदि इनिशिएट करता है तो हमारा मान, और मान कब आता है? जब छोटे बर्तन में बड़ी वस्तु रखते हैं तो वो अकड़ती है, फंसती है, इसी अकड़न का नाम मान है। कब गुस्सा आता? जब हमारे मान को धक्का लगता। और मान को धक्का कब लगता? जब हम आसपास के माहौल को बहुत छोटा कर लेते हैं और उसमें अपने आप को रख के देखते, आई एम मिस्टर समथिंग, आई एम मिस समथिंग, है नहीं है नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग, है नहीं है नेग्लिजिबल, मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल, बस आ गया मान। अरे मुझ जैसे बुद्धिमान, मुझ जैसे शक्तिमान, मुझ जैसे धनवान, मुझ जैसे तमाम मान कमरे से बाहर निकलते ही हजारों लाखों हैं,
लेकिन उस कमरे में तो मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। मतलब मैंने अपनी दुनिया को कितना छोटा किया तब जाके मान कर पाया, और जब मान को धक्का लगा तो क्रोध कर दिया, और जब क्रोध से बात नहीं बनी मायाचारी सीख ली, और जब माया से हल निकलने लग गया तो ये लोभ पैदा हो गया। हाँ ये ठीक था। और जब ये चारों कषाएँ पैदा हो गई तो हमारा पुण्य जो बहुत मजबूत होना चाहिए था मजबूर हो जाता है, और अंत में जा करके मजदूर हो जाता है। इसलिए पुण्य को मजबूत करना कैसे करना, मान पा करके नहीं, मान दे करके। अंतिम बात मैं कह दूं, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा हो सकता है, अंतिम बात कह दूं, कभी आपने बीज देखे? अभी इस समय देखना आसपास खेतों में बीजों की बोनी हो रही होगी। सबको समझना है, बड़ों को भी, छोटों को भी, बच्चों को भी, सबको। यदि आप बीज को बढ़ाना चाहते हैं तो बीज को हाथ में रखे वो बढ़ जाएगा? बढ़ तो नहीं जाएगा, सड़ जाएगा। अपने हाथ में जो बीज हैं यदि उनको बढ़ाना चाहते हो तो हाथ के बीजों को भी जमीन में फेंकना पड़ता है, तब जाकर के उन बीजों का बढ़वाना संभव हो पाता है। और तुम भी यदि अपने मान को बढ़ाना चाहते हो तो मान के बीजों को तुम जब जमीन पर दबी दोच कर दोगे, तुम्हारा मान इतना बढ़ जाएगा कि देवता भी सम्मान करने के लिए, धरती पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव ने तो इसी प्रकार अपना मान बढ़ाया, बढ़ाने के भाव से नहीं बढ़ाया, वो तो मान को जितना छोड़ते चले गए, जितना जमी दोच करते चले गए, दुनिया उनके पीछे उनको सम्मान देने के लिए तैयार खड़ी पाई गई। तुम अपने मान की कभी रक्षा नहीं कर पाओगे, तो मान को रक्षा यदि करने के भाव भी रख लो तो दूसरों को मान देकर के ही पा पाओगे। और जब दूसरों को मान देना तुम सीख जाओगे, लौट करके इतना मान तुम्हारे पास आएगा कि तुम्हारे लिए उस मान को संभालना कठिन होगा। फिर तुम उस मान को छोड़ के भागोगे, फिर तुम उस मान को छोड़ के भागोगे वन की ओर, लेकिन भवन वाले सारे के सारे आपके पीछे चले आएंगे लगन की ओर। और एक दिन ऐसा होगा, जितना जितना मान तुमने जमीन पे, जितने जितने बीज तुमने जमीन पे बोए, वापस लहलहा करके फसल आई, वो सारे बीज बन करके आए, उतने बीज फिर तुम लगा दो, इतना 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 फसल का लहलहाना हो जाएगा कि फिर अंत में जा करके एक ही चीज सामने आएगी, अब मान करना नहीं, अब तो मान देना है, अब मांग करना नहीं। महाराज मांग की बात कैसे आ गई मान के साथ साथ, क्योंकि आपने स्वाहा कहा था ना, किस भाव से कहा था? कोई मांग रखने के भाव से कहा था, मांग नहीं। एक ही बात करो, पिछले साल तो हम लोग महाराष्ट्र में थे, 2 सालों से महाराष्ट्र जाकर के आप लोग एक ही भावना करते थे, महाराज बुंदेलखंड कब लौटोगे, बुंदेलखंड कब लौटोगे, बुंदेलखंड कब लौटोगे। उस समय हम सोचते थे चलो बुंदेलखंड वासियों का सामूहिक पुण्य सामूहिक पुरुषार्थ है, जल्दी लौट आएंगे। पहुंचे तो थे 2 साल में, लेकिन एक झटके में बुंदेलखंड वापस आ गए। निमित्त भले ही कुछ भी बना हो, लेकिन यहाँ पर आकर के फिर वही मान और फिर वही मांग। अब इसको पूर्ति कैसे करे? बस ये मांग करना है तो यही कर लेना, महाराज चातुर्मास कहीं भी हो बुंदेलखंड में हो, क्योंकि बुंदेलखंड में ललितपुर भी आता है और कुछ और भी आता है, बुंदेलखंड में हो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी विराट भावना तुम्हारे अंदर हो जाए तो तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ जाए कि तुम तो बुंदेलखंड की मांग करो, चातुर्मास ललितपुर में ही हो जाए। लेकिन ये अंदर से भाव होंगे तब होगा, ये अंदर से इतने विराट भाव होंगे तभी होगा। और ऐसी विराटता के लिए अपने अंदर की मांग और मान दोनों को मनाना पड़ता है। आपके जीवन में सही मांग और सही मान पैदा हो इन्हीं भावनाओं के साथ, अहिंसा परमो धर्म की। ललितपुर डैम सिटी के नाम से विख्यात है, डैम सिटी, और यहाँ पर जैनों की डेंसिटी भी बहुत है। डैम का मतलब बांध, आसपास चारों तरफ बांध हैं, और ये किसी भी नदी को बीच में ही बांधना चाहते हैं। बांधों का शहर ये ललितपुर होकर के भी इसने कई ऐसे जलाशयों को जाने से तो रोका हो,
लेकिन ऊपर चढ़ने से नहीं रोक पाया होगा। कभी आपने देखा पानी जो निम्नगाह माना जाता है, जितना आगे बढ़ता यदि आगे रुकावट आए तो वो बढ़ना बंद नहीं करता, वो ऊपर बढ़ता जाता है। ललितपुर एक ऐसा बांध रहा जिसने सन 80 के दशक में और 90 के दशक में पहले आचार्य विद्यासागर जी को बांधा, उनका विकास इतना हुआ कि वो जगत प्रसिद्ध हो गए, और फिर मुनि पोंगल सुधा सागर जी को बांधा, उसका परिणाम ये हुए कि वो आज जगत विख्यात हो करके एक डायलॉग आपने सुना होगा, सुना है, मूछे हों तो नथू लाल जैसी हों, सुना है। हम कहना चाहते हैं दबंगई हो तो मुनि पोंगल सुधा सागर जी महाराज जैसी। वैसे तो ललितपुर कभी आपने देखा हो मानचित्र में, वो मानचित्र कैसा है हम आपको एक कल्पना में बताना चाहते हैं। कभी आपने आपके अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर देखा हो तो आंतों में एक आंत्रपुच्छ होता है, इसको अपेंडिक्स की नस आप बोलते हैं। देखिए आपने अपेंडिक्स की नस, ऐसी उत्तर प्रदेश की अपेंडिक्स की नस के रूप में है ललितपुर, जो चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। देखा, कुछ लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स की नस जब कभी दर्द करे तो कट कर देना चाहिए, वो यूजलेस होती है। मैं उनको सबको खबरदार करना चाहता हूँ, कभी अपेंडिक्स की नस को यूजलेस मान के काटने की कोशिश मत करना। वो इंडिकेटर होती है कि तुम्हारी आंतों में कौन सी चीज़ चल रही है, अच्छी चल रही कि गलत चल रही, वो इंडिकेशन दे करके पहले आपको दर्द पैदा करती है और आंतों को बचाए रखने के लिए कारण बनती है। ऐसी कोई भी जो जहाँ जहाँ से मांगे लेकर के आए हैं और डैम वाले भी मांग कर रहे हैं, ललितपुर को तुम यूजलेस मत समझना, क्योंकि वो अपेंडिक्स की नस है। इसको यदि काटने का प्रयास किया तो फिर आंतों में कब सड़न हो जाए, कब गलन हो जाए पता नहीं लगेगा, इसलिए उसको इंडिकेटर मानो। इसलिए हमने भी नहीं काटा, हम चाहते तो बाजू से कहीं और जा सकते थे, लेकिन हमने कहा अपेंडिक्स को काटने के बाद कहीं ऐसा ना हो पूरी आंत खराब हो जाए, इसलिए अपेंडिक्स को बचा के रखो। अब जहाँ तक बात है आप लोगों की मांगों की, तो बांध बनते वक्त आपने एक चीज़ देखी है, सुन रहे ललितपुर वालों, आपने एक चीज़ देखी है, बांध बाद में बनाए जाते हैं, लीकेज पहले छोड़े जाते हैं, क्योंकि यदि लीकेज ना हो तो बांध फट जाता है।